तेरे प्यार में खोई कितना हूँ मैं रोई भले तुझे ना खबर बस अब ना सता मुझे। जिनके सर पर है महादेव का हाथ, जिनकी भक्ति है अपार, आज ही अपने नाम से नहीं बल्कि महादेव के नाम से जाने जा रहे हैं। जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है हंसराज रघुवंशी, लेकिन उन्हें आप बाबा जी के नाम से जानते हैं। आज ही अपने महादेव के भजन से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आज इनका गाया हुआ हर भजन 100 मिलियन से 200 मिलियन व्यूज़ का आंकड़ा आसानी से पार कर जाता है। आज ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन हमेशा से इनका जीवन इतना सफल नहीं रहा है। इनके जीवन का एक समय ऐसा था जब कैंटीन में बर्तन धोए, सब्जियां काटी और वेटर का काम तक किया, हर वो छोटा मोटा काम किया जिससे इनके जीवन का गुजर बसर हो सके। तो फिर इनका जीवन इतना कैसे बदला? क्या इनके जीवन पर महादेव का चमत्कार हुआ? और आखिर क्यों अपने आप को महादेव का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं और अपना गेटअप भस्मधारी की तरह क्यों रखते हैं? ऐसे कई अनसुने राज आज आप इस वीडियो में हंसराज रघुवंशी के बारे में जानने वाले हो, साथ ही साथ इनकी लव स्टोरी भी जानने वाले हो। धूप लगे आवे तो मैं छाव बन जावा, तू मेरी हीर में तेरा रंजा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप भी हैं महादेव के भक्त तो नीचे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अविनाशी तू क्यों है सन्यासी, तू करता किसका ध्यान है तेरे प्रेसी भोले तू। 18 जुलाई 1992 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के एक गरीब फैमिली में इनका जन्म हुआ, जिसे आज आप बाबा जी के नाम से जानते हो, लेकिन इनका असली नाम हंसराज रघुवंशी है। हंसराज को संगीत का शौक अपने पापा से आया। इनके पापा गांव की मंडली में गाना गाया करते थे, जिन्हें देखकर हंसराज भी गुनगुनाया करते थे। अगर इनकी फैमिली की बात करें तो इनके पापा प्रेम जी रघुवंशी, मम्मी लीला रघुवंशी, छोटा भाई मनजीत रघुवंशी जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं, एक छोटी बहन सीमा रघुवंशी है जो वेटनरी फार्मिस्ट है। कुल 5 लोग इनकी फैमिली में हैं। अगर इनकी स्कूलिंग की बात करें तो इन्होंने अपने गांव के एक सरकारी स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। हंसराज बचपन में पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जिसकी वजह से इनके पापा चाहते थे कि ये DC बने, लेकिन क्लास 5 तक आते आते इनका पूरा इंटरेस्ट गाने में आ गया। ये अपने स्कूल के हर परफॉर्मेंस में गाना गाया करते थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा सराहना मिलती थी और धीरे धीरे इनका पढ़ाई से इंटरेस्ट पूरी तरीके से हटने लगा। लेकिन जब 10वीं में ये बहुत ज़्यादा खराब मार्क्स से पास हुए तो इनके पापा ने इन्हें बहुत डांटा, जिसके बाद इन्होंने संगीत छोड़ दिया था। भले ही अपने पापा के डांटने की वजह से इन्होंने संगीत छोड़ दिया था, लेकिन मानो इनका प्रेम संगीत बन चुका था। इनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से ये पढ़ाई में भी धीरे धीरे कमज़ोर होते गए, क्योंकि इनका मन हमेशा संगीत में लगा रहता था। लेकिन अपने पापा के कहने पर इन्होंने BCOM में एडमिशन ले लिया। लेकिन BCOM सेकेंड ईयर तक आते आते इन्होंने तय कर लिया कि मैं अब पढ़ाई पूरी तरीके से छोड़ दूंगा और संगीत में अपना पूरा मन लगाऊंगा, इसी राह पे मुझे अपनी मंजिल मिलेगी। लेकिन इनके पापा इस चीज़ के लिए नहीं तैयार थे, लेकिन बहुत समझाने पर अपनी बेटी की खुशी के लिए मान गए और इन्होंने अपना खर्चा चलाने का खुद निर्णय लिया, जिसके लिए ये कैंटीन में बर्तन मांजते थे, सब्जी काटते थे, वेटर का काम करते थे, यहाँ तक होम डिलीवरी का भी काम किया और तरह तरह की जॉब करके अपना गुजर बसर करते थे। और इन्होंने साथ ही साथ ऑडिशन देना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन किसी भी ऑडिशन में इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने जितनी भी अपनी छोटी मोटी नौकरी से पैसा इकट्ठा किया था, उससे अपने जीवन का पहला सॉन्ग बाबा जी रिलीज़ किया, जो ज़्यादा चला नहीं। इसके बाद अम्मा जी, उसके बाद बाबुल। बाबुल के बाद इनको थोड़ी मोड़ी पहचान मिल गई थी। इसके बाद 2019 में इन्होंने भोले शंकर का भजन मेरा भोला है भंडारी रिलीज किया। रातों रात सुपर डुपर हिट हो गया और इनको रातों रात स्टार बना दिया। इनके इतने साल के मेहनत और संघर्ष के बाद आखिर भोले भंडारी ने इनके किस्मत के ताले की चाबी खोल दी। इसके बाद इन्होंने शंकर के कई भजन जैसे लागी लगन मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी, डमरू बजाया, गंगा किनारे भोलेनाथ, शिव शिव शंकरा, शिव समा रहे हैं, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा।
शिव शंकर बोली पार्वती जैसे ना जाने कितने भजन इन्होंने भोले भंडारी पे गाया और इनके सारे भजन आज सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। लोग आज इनको इनके नाम से नहीं बल्कि महादेव के नाम से जानते हैं और ये खुद कहते हैं कि आज मैं जितना भी सफल हूँ उसका सारा का सारा क्रेडिट मैं भोले भंडारी को देता हूँ, क्योंकि इनका मानना है कि मेरे तरीके इस दुनिया में टैलेंटेड कई हैं, कई मेरे तरीके गाना भी गा लेते हैं, लेकिन मेरे ऊपर ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तभी मैं इतना सफल हुआ हूँ। और आज इन्होंने अपना पूरा जीवन महादेव पर वार दिया है और ये महादेव को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए महादेव की तरह ये रहते हैं, उन्हीं की तरह बाल रखते हैं और उन्हीं की तरीके ये पहनावा भी रखते हैं और ये खास यूनिक स्टाइल इन पर बहुत ज़्यादा सूट भी करता है। और ये कहते हैं कि महादेव को मैं बहुत मानता हूँ, मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। अब इनका सपना ये है कि बॉलीवुड में ये अपने हिमाचल का नाम रोशन करना चाहते हैं और बॉलीवुड में गाना गाना चाहते हैं। आपको इनके बारे में एक बार जानकर और इंटरेस्टिंग लगेगी कि इन्होंने आज तक जितने भी गाने गाए सब खुद से लिखे हुए गाए हैं, तो है ना हंसराज बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। तो चलिए इनके रिलेशनशिप की बात करें, तो ये 6 साल से कोमल सकलानी को डेट कर रहे हैं। कोमल इनके कॉलेज में थी और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन्हें पता नहीं चला और बुरे वक्त में कोमल सकलानी ने इनका बहुत साथ दिया। लेकिन कोमल की फैमिली हंसराज से इनकी शादी करने के लिए नहीं तैयार थी, लेकिन 6 साल बाद इन्होंने अपनी फैमिली को मना ही लिया और 24 मार्च को ये दोनों एक दूसरे से इंगेजमेंट कर चुके हैं और बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। तो चलिए ये छोटी सी लाइफ स्टोरी थी हंसराज रघुवंशी की। अगर आप इनके बारे में कुछ और भी जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो हंसराज रघुवंशी के लिए इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम लोग 5000 का रखते हैं और अगर करनी हो कोई शिकायत तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन।